भाई तेरा भाई वेट मारा सही, वो देख रही है क्या? हाँ देख रही है, बस ठीक है, फिर देख रही है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कुछ ऐसी गलतियां बताएंगे जिनसे आपके बाइसेप्स ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत वर्कआउट करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहा। ये मैसेज आते हैं और ऐसे ही मैंने देखा है, कहीं भी जाता हूँ तो मेरे छोटे भाई बोलते हैं कि साइज़ कैसे बढ़ेगा क्योंकि इतना वर्कआउट करता हूँ, वेट भी अच्छा लिफ्ट करता हूँ। तो कुछ गलतियाँ बताएंगे जो मेन कारण है आपके बाइसेप्स ग्रोथ ना होने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात। तो गाइज, मेरा इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि दिल्ली टू मुंबई आ रहा हूँ तो आप सबसे मिलता हूँ। 8 मीटअप प्लेस रखें मिलने के लिए, तो उसे फॉलो करें। मैं उसमें बता सकता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है हमें। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अभी स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब की धूम मचा दें। तो ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपके पंघाल फिटनेस पे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सर, आज आपका वर्कआउट और कुछ गलतियां बताऊंगा जो मेनली यूज़ होती है, मैंने जो नोटिस की हैं, जो बाइसेप्स को बड़ा नहीं होने देती। अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जिम में जाके, लेकिन वो बाइसेप्स ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसकी कुछ गलतियां बताएंगे। पहली गलती बाइसेप्स करने हैं, पहली गलती आपकी, अब देखो अभी पता लगेगा, मतलब पता नहीं एक्सरसाइज हो रही है क्या हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी को नहीं ना। कईयों को देखा होगा जिम में, तो गलती ना करें, पूरी बॉडी को ना हिलाएं, सिर्फ बाइसेप्स को। अब मैं सही तरीका दिखा रहा हूं आपको, वन टू, अब सिर्फ बाइसेप्स, बॉडी नहीं हिल रही। फ्रंट से दिखा देता हूं, अब आपकी दूसरी गलती जो नहीं करनी है। पहले गलत दिखाऊंगा फिर सही दिखाऊंगा, जो मेनली आपने नोटिस की होंगी और जो कई बार कर देते हैं गलतियां, वो दिखा देता हूं आपकी। पहले कर देता हूं फिर बताता हूं। भाई तेरा भाई वेट मारा सही, वो देख रही है क्या? हाँ देख रही है, बस ठीक है, फिर देख रही है, अब फिर देख रही है। ईगो लिफ्ट नहीं करनी, कंधे ऊपर हो जाते हैं भाई, देख अब तो मैं हिल भी नहीं रहा, ये क्या है? एक्सरसाइज कर रहे हैं हम बाइसेप्स की, शोल्डर का भी यूज है, ट्रैप्स का भी यूज है, वन टू, क्योंकि एक तो हमारी बॉडी भी इतनी समझदार बनी है ऊपर वाले ने, वो कहीं ना कहीं से हेल्प ले लेती है। तो ईगो लिफ्ट में ना पड़े। अब करना क्या है, इसमें वेट था ज़्यादा, पहली बात ज़्यादा वेट था, इसलिए यही तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने वेट कम कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली पोजिशन अपने आप अच्छी आएगी। पहले शोल्डर ऐसे थे जब वेट थोड़ा हैवी था। करना क्या है, ये अब आपकी थर्ड मिस्टेक, तीसरी गलती जो मैं पहले करके दिखाऊंगा, आपको नोटिस करनी है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। आपको करके दिखा रहा हूँ गलती, आपको बतानी है पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा। ना तो जर्किंग है, ना ही शोल्डर उठे हुए हैं। तो गलती है
रिस्ट, रिस्ट को बैंड नहीं करना है, क्योंकि जब हम बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट बाइसेप्स का है, ये सिर्फ साधन है। जाना मतलब कहीं है, जाना बाइक पे है, तो जा बाइक पे रहे, पहुंचना जहाँ है वो मंजिल है, तो ये मंजिल है। इसको अगर बैंड करते हैं तो आपकी बॉडी का जो आप करना चाह रहे हैं फर्क है जो, वो सिर्फ आपके फोर आर्म्स पे रह जाता है। कईयों को देखो अगर अच्छा हैवी लिफ्ट करते हैं, उनके बाइसेप्स की वो शेप नहीं होती या ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो रिस्ट को इतना बैंड कर लेते हैं, फोर आर्म्स यहीं ख़त्म, क्योंकि आप कर तो एक्सरसाइज बाइसेप्स की रहे हैं। तो उसको सीधा रखें, मिस्टेक जो मेनली देखी जाती है आज डे है चेस्ट, भाई क्या कर रहा है भाई, चेस्ट का वर्कआउट है, इंक्लाइन डंबल फ्लाई पैरेलल सब कुछ हो गया, बस जा रहा है, फिर क्या करा, क्या कर रहा है भाई, थोड़े से बाइसेप्स पंप कर लूं, चलो कोई बात नहीं हो गया। अगले दिन क्या वर्कआउट है, बैक पुल अप्स साइड डंबल सब कुछ हो गया, भाई क्या कर रहा है यार, दो मिनट रुक जाना, आज मिलने जाना है तो बाइसेप्स पंप तो कर लूं बाइसेप्स। तो मतलब आपको वीक में सिर्फ दो दिन बाइसेप्स को ट्रेन करना है, वो भी 72 घंटे का रेस्ट हो आपकी मसल के बीच में, 72 आवर्स का गैप हो, क्योंकि छोटी मसल है कंपेयर आपके चेस्ट बैक लेग्स, छोटी मसल है और उसको आप ट्रेन करते रहते हर दूसरे दिन तीसरे दिन ही, मतलब चेस्ट करी उसके बाद लास्ट में बाइसेप्स, बैक करा उसके बाद बाइसेप्स हो जाती है। तो जिस दिन बाइसेप्स करें उस दिन प्रॉपर बाइसेप्स ही करें, ज़्यादा वर्कआउट बाइसेप्स का करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपके बाइसेप्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, सच्चाई है, क्योंकि वो इतने, मैंने कईयों को देखा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम जिम में जाते हैं मसल ब्रेक डाउन करने, अच्छा वर्कआउट करते हैं तो मसल ब्रेक डाउन होती हैं, और घर पर जो आप डाइट लेते हैं रेस्ट करते हैं उससे वो मसल जुड़ती हैं। तो मैंने आज मंडे को बाइसेप्स करे तो ट्यूजडे को और कोई वर्कआउट है, वेनसडे को और कोई है, थर्सडे को कर सकते हैं दो दिन बाद, लेकिन आज कर लिया फिर कल कर लिया, तो कहने का मतलब ये है दो दिन करना है वीक में, और बीच में गैप हो, गैप मतलब कोई और वर्कआउट हो, या जैसे मैं तो एक बार ही ट्रेन करता हूँ, और आप ज़्यादा ही शौक रखते हैं बाइसेप्स ग्रोथ करने का तो दो बार कर सकते हैं। फिफ्थ जो सबसे बड़ा सच है, ये नहीं बाइसेप्स में, जिस भी वर्कआउट में आप बैक चेस्ट जो भी आप जिम में जाते हैं और भी कोई वर्कआउट करते हैं, आप बॉक्सर हैं आप एथलीट हैं, न्यूट्रिशन सबसे बड़ा सच और सबसे कड़वा सच, न्यूट्रिशन आपकी डाइट वो बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होनी अच्छी होनी। आप न्यूट्रिशन पूरी नहीं लेंगे तो कहेंगे यार मैं तो इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 3 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए, मैं वही ग्रोथ नहीं। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आप ग्रोथ करेंगे, गारंटेड करेंगे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि बॉडी ग्रोथ ना करे किसी की अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 साल पहले भी मैं वही वेट यूज़ कर रहा था यार, बॉडी बन तो रही है, क्या दिक्कत है। तो बॉडी बहुत समझदार है, बॉडी समझती है कि ये कहता है मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये रेस्ट पे ही एक तरह से। तो जब भी आप जिम में जाएं पूरा फोकस अपने वर्कआउट पे करें, घर जाएं अपनी डाइट पे करें, वर्कआउट के बाद सीधा डाइट लें, क्या कर रही है चेली वो बाद में करें, पहले डाइट ले लें। जिसको भी देखो मतलब उसमें सबको सब हर को, हर कोई है मतलब हर कोई, मैं समझ गया ना, तो कोशिश करें कि टाइम निकाल लें बाद में लेकिन डाइट टाइम पे लें तो ओके। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है आपकी, और इस टेक्निक का यूज़ करें, जो सही बताइए उसी का यूज़ करें, रॉन्ग को आप मैंने दिखा दिया गलत क्या था और सही क्या था। तो अच्छा वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, माता पिता जी से प्यार करें और फिट हो जाएं आप सब, और मिलते हैं अब आप सबसे मुंबई, तो कल चलना है, और फिर कल नहीं आज डलेगी वीडियो आपकी, सैटरडे संडे को सुबह निकलेंगे, तो मिलते हैं आपसे मुंबई, रास्ते में मिलता हूँ आप सबसे, आप सबका बहुत प्यार करते हैं पंघाल फिटनेस, और पंघाल फिटनेस भी बहुत प्यार करता है आप सबसे, तो ऐसे ही प्यार करते रहें, जल्दी से जल्दी मिलते हैं आप सबसे, बाय।